हेलो गाइस यार, एक और न्यू गेम प्ले के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और जो ये गेम प्ले होने वाला है वो होने वाला है द हेलो नेबर्स 2 के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, हमारे पिछले गेम प्ले में हमने किया गया था कि जो भी एक शॉप थी, हमें वहाँ गए थे, हमने वहाँ से भी छानबीन करी थी और वहाँ से हमें एक कैश काउंटर मिला था। कैश काउंटर के जो हमें बटन थे वो मिस थे, हमने कलेक्ट किया था। कलेक्ट करने के बाद उसमें से हमने उसको कीज जो है वहाँ से निकाल ली थी। वो जो की थी वो आई थिंक इस बड़े से रेड घर की थी, जो बड़ी सी हवेली है, एक बड़ा सा भूतिया टाइप का घर लग रहा है यार। तो और आई थिंक जहाँ से आता कि वो जो मेन बंदा है इसमें, वो हमें इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। उस गाइस हमको इस बार उसको फेस करना पड़ेगा आई थिंक। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑसम सपोर्ट यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, सो लेट्स गो। तो गाइस ये है, और हम एक बार अपनी इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री में ज़्यादा वही पुरानी चीज़ें हैं, और तो देखते हैं गाइस हम आगे बढ़ के हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है, ठीक है। तो ओके गाइस हम घर के अंदर तो आ चुके हैं, और तो ये हमें पिछली बार यहाँ पे घर मिला था तो हमने इसको यहाँ रख दिया था, ठीक है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे कि ये घर है, उसके बाद एक घर ये भी है, ऑलराइट। क्योंकि इस घर में हम गए थे, फर्स्ट हमारा मिशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक ये भी यहाँ पे लॉक्ड है, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो देख लेते हैं भाई इस घर के अंदर क्या मिलने वाला है। आई थिंक कुर्सी में तो भाई कोई तो बैठा है, एक बार देख लेते हैं भाई। ये तो वही बंदा है जिसकी मैंने बोला था कि हमें इसको फेस करना पड़ेगा, तो ये बंदा वही है गाइस। तो चलो इस घर के बाहर चारों तरफ ग्राउंड लगा के देख लेते हैं कि क्या मिलता है हमको। सो देख लेते हैं कि अब तो यहाँ से कोई शॉर्टकट वॉर्टकट हो तो हम अंदर जा सकते हैं या नहीं, वो चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस बंदे ने जो किया है यहाँ, काफ़ी मरम्मत का काम चल रहा है थी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सब बैरियर्स लगे हुए हैं। तो हमें इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, तो मैं तो इसको भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो देख लेते हैं अगर यहाँ से कहीं कोई नहीं रास्ता है, नहीं वे टू गेट इनसाइड। तो फिलहाल तो भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ पैक वुक करके रखा हुआ है यहाँ पे। ओके ये दरवाज़ा खोल सकता है, ओके तो मैं इसको खोल सकता हूँ, यहीं से अंदर चले जाते हैं। और गाइस इसकी भी चाबी हमको ढूंढनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि ये लॉक्ड है तो इसकी कीज हमको ढूंढनी पड़ेगी। ओके तो गाइस हमको बहुत ही सावधानी के साथ आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंदा है अगर इसने धर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आई थिंक वहाँ पे उसको तोड़ने के लिए जो है एक वेपन जो है वो तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि ये हमारे पास पहले से है, ठीक है। ओके ये बैठ गया है वहाँ पर, अभी तो मैं यहाँ पे आराम से जाके देखता हूँ आगे कि मैं अगर यहाँ से कुछ देख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ सकता हूँ। तो ओके ये इधर से भी आ गया, मतलब इधर से डोर ओपन है, एक दरवाजा यहाँ पर भी है। और देखते हैं अगर मैं इसका यूज करके इसमें जो लगे हैं, दो दरवाजों को जो इसने आराम से बंद कर रखा ना, ओके ओके तो इसकी कार ये है, यहाँ पे पंचर सी पड़ी हुई लग रही है। तो मुझे यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मुझे कुछ काम का मिलता है तो गाइस हमने वो सारी चीज़ें रख लेनी है जो भी हमको चाहिए। ऑलराइट तो वो देख लेते हैं चलो अगर कुछ मिल पा रहा है तो यहाँ पर बिना स्पॉट हुए। अगर मुझे इसने स्पॉट कर दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ये लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ होगा। चलो फिलहाल तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है,
गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कि कुछ हुआ है, जो भी हुआ है तो वो हम बाद में देखेंगे। ओके आई थिंक ये हैंडल्स है गाड़ी का या तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है। मैंने अभी इसको ओपन किया, इस गियर को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वो क्या हुआ है यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई पहले। ठीक है वो बिना देखे तो ऐसे मज़े नहीं आएगा। ओके आई थिंक इसके पीछे की डिग्गी ओपन हुई होगी तो मैं डिग्गी चेक करता हूँ एक बार। ओके हाँ जैसे कि मैंने कहा था डिग्गी। ये क्या है, इसको रख लेते हैं, जो भी है काम की चीज़ लग रही है। यहाँ से चलो एटलीस्ट हमको एक चीज़ तो मिल गई है। अब इसको देखते हैं हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके अभी हमने यहाँ से जो जाना पड़ेगा बहुत ही बच के निकलना पड़ेगा। ओके इसके लिए मुझे चाहिए एक की और आई थिंक हो सकता है वो की मुझे यहीं मिलेगी यार, और कहीं तो मिल नहीं सकती क्योंकि ये गैराज है। ठीक है गैराज में ही ये चीज़ें पड़ी होगी, कीज इस टाइप की तो चीज़ तो यहीं इधर ही मिल सकती है। ठीक है देख लेते हैं, गेम है कोई भरोसा नहीं है, पक्का नहीं है कि यहीं मिले, देख लेते हैं चलो एक बार। मेरी पैर की आवाज़ सुन के बंदा ना आ जाएगा यार। अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। इस गाड़ी के चारों तरफ मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं वो किसी तरफ कांच वाली साइड में है वो। अब यहाँ पे कांच है, दो दो साइड में कांच है, उस तरफ है इस तरफ है। तो गाइस ऑनेस्टली मुझे अगर कुछ चीज़ कैरी करनी है तो मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें पहले फेंकनी पड़ेंगी। अब मैं इसमें से क्या फेंकूँ, ये चीज़ मेरे पास दो दो है तो मैं इसको गिरा सकता हूँ। ठीक है ये फिर जैसे दरवाजा खोल रहा है तुरंत पहुंच जा रहा है। दूसरों से तो जो है ना ये बंदा काफी तेज है इसलिए। ओके आई थिंक ये बैठ गया है। देखता हूँ ऊपर तो आ गया हूँ। भाई ये बड़ी तेज ट्रैवल कर रहा है भाई, वहां से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। तो ये जा रहा है ऊपर, इसको ऊपर जाने दो। मुझे जो चीज़ यहाँ से चाहिए मैं वो चीज़ इधर से उठा लेता हूँ पहले। मुझे यहाँ से चाहिए वो बड़ा सा जो मास्क था इसका, वो चाहिए मुझे, और वो ये है। ठीक है ये मिल गया है।
चलो उसने देख तो लेता एक पर्गलर पर दोबारा, फिर उसने वो कर दिया इग्नोर कर दिया। चलो कोई नहीं, उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नॉइज़ क्रिएट कर रहा है और ये बंदा वापस आ जा रहा है। जी बंदा है कहाँ पे? ओके इजी। रेंज वगैरह तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से हैं। ओके, एक ग्लास जो है वो तो हमने ब्रेक कर दिया, उसमें कुछ तो है और वो हाउस हमको वहाँ से उठा के ले जाना है, ठीक है? जो घर का जो मॉडल है
वो हमने उठा के लाना है। ओके तो ये घर का हमको मॉडल मिल गया, ये है कि ये है दिस वन। ओके तो एक तो हमको मिल गया है तो हमें एक और चाहिए, ठीक है। ओके तब मैं दूसरे वाले को उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके कैन ही गो आउटसाइड, कैन ही गो, कम ऑन। अगर ये बाहर चला जाता है तो मैं उस वाले कांच को ब्रेक करता हूँ, पर ये फिलहाल जा नहीं रहा, ये भी इसी तरफ आ रहा है बार बार कि मुझे वहाँ से वो दूसरा हाउस भी उठाना है। ऑल राइट नो बिग डील, आराम से करेंगे। ओह शिट, तो मुझे यहाँ पे सीजर चाहिए। ओके मुझे सीजर चाहिए और जाल था यार, वो ना जाल था। मैं मुझे मुझे वहां से पहले वेपन उठाने पड़ेंगे अपने जो मैं छोड़ गया वहां पर। Go outside, go outside. सीजर्स चाहिए ना मुझे, सीजर्स। वो जाल है वहाँ पे यार, मुझे लगा वो कांच ब्रेक है तो मुझे वहाँ पे उसको तोड़ कर उठाना पड़ेगा। ओके सीजर्स हो रही।
ओके सीजर्स मुझे मिल गई है, मैं इस तरफ से आगे को देखता हूँ। Come on. तो मुझे उस तरफ से जाके वहां से वो सामान उठाकर ले आना है। उश्री तो यही है यार। ओके जो मुझे ये दूसरा वाले घर का मॉडल ही मिल चुका है और इसको मैं रखूंगा यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। ओके एक की तो मुझे यहाँ से मिल गई है गाइस। ओके ओके और जो मैंने यहाँ से चीज़ें अपनी छोड़ दी मैं वो चीज़ें भी उठा के लाता हूँ। एक यहाँ पे भी था ना दरवाजा। इससे बढ़िया मुझे पकड़े और यहाँ से तो इससे पहले मैं खुद ही पक जाता हूँ। ओके तो हमने यहाँ का जो है ना दरवाजा तो खोल दिया है, यहाँ देख लेते हैं वो यहाँ पे क्या मिल सकता है। हाँ ये चाहिए मुझे, मेरे पास ये नहीं है तो मुझे इसको तो लाना ही पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ और इस वेपन को उठा के लाता हूँ भाई। ओके तो ये भी मिल गया है हमको। ओके तो ये चीज़ हमको मिल चुकी है गाइस और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दरवाज़ा खोलने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके आई थिंक मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मछली का मैंने ऊपर चेहरा था देखा था मैंने। सो मुझे ओके ये क्या ऊपर की चुका रखा भाई इसने। और इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ प्लग जैसा चाहिए भाई। ओके तो ये है यहाँ पर इसका एक। ओके तो ये है, इसको मैं यहाँ से यूज करता हूँ। सीजर्स अगेन। ऑलराइट तो मैं यहाँ तो अंदर आ गया हूँ, अभी यहाँ से मुझे देखने क्या मिलता है। ओके एक कीस मुझे मिल चुकी है गाइस। मैं देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से कोई की मिलती है कि ताकि मैं ये लगता नहीं है कि एक बार फिर देख लूं। क्या पता कुछ की मुझे यहीं मिल जाए। ओके लगता तो नहीं यहाँ पर कुछ है तो ये अभी भी खड़ा है। तो यहाँ पे एक हार्ट वाला वो था
हार्ट वाला तो कहाँ गया वो? हार्ट वाला लॉक था ना यहाँ पर, तो वो देखता हूँ, उसको खुलना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे था ये है क्या? हाँ ओके, यहाँ देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल सकता है। ओके गाइस, भाई ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई सो रहा है। इसकी सोने की खुशबू आ रही, खुशबू जगह वो आ रही है, वॉइस आ रही है। तो उसके लिए भाई यहाँ पे ये क्या है? Help me. What the hell? Shit. Fine.